नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। औरंगाबाद के बारून सोननगर केशवपुर निवासी पूर्व विधायक रामचंद्र यादव के भतीजा, समाजसेवी और लोजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष 55 वर्षीय कृष्ण कुमार सिंह का शनिवार संध्या के समय आकस्मिक निधन हुई। इनके निधन से प्रखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मृत्यु की खबर सुनते ही कृष्ण कुमार सिंह के आवास पर देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इनका पैतृक निवास बारून प्रखंड के बिलट बिघा है। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि कृष्ण कुमार सिंह वकालत की पढ़ाई के बाद राजनीति के क्षेत्र में 1995 में कदम रखा। लोजपा के सक्रिय सदस्य वर्ष 1995 से अब तक बने रहे। उन्होंने बारून प्रखंड में 10 वर्ष लोजपा प्रखंड अध्यक्ष के पद पर सेवा देते रहे। इसके साथ बारून नवीन नगर विधानसभा से 2005 में चुनाव भी लड़े और वर्तमान समय तक लोजपा पार्टी के लिए काम करते रहे। जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह, पूर्व विधायक। अच्छा जी, ये कृष्णा सिंह का देहांत हो गया, कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बताएं आप उनके बारे में। ये अपने बच्ची को पहुंचाने बनारस जा रहे थे महाबोधि से, डेहरी स्टेशन पर बच्ची को ट्रेन पर चढ़ा कर जैसे ही उतरे अचानक ये गिर पड़े और आदमी दौड़ करके अस्पताल सुनील बोस के यहाँ पहुँचाया और उसी बीच में अपना दम तोड़ दिए। पॉलिटिक क्षेत्र में कब आए थे ये कृष्णा सिंह जी? 2000 में लोजपा का सक्रिय सदस्य बने थे और 2005 में बारून नवीनगर से चुनाव लड़े। और इनके बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं बताइए। पूरी जिंदगी अपने राजनीति के जीवन में बिताए, लोजपा में ही अपना इनका सक्रिय जीवन आज तक रहा। अभी भी लोजपा की सक्रिय सदस्य थे और लोजपा में अभी काम कर रहे थे। क्या इनकी उम्र होती होगी? उम्र जी? उम्र 55 साल।